अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 2 डज ही रिमेंबर, क्या उसे याद है, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। वर्ड्स मीनिंग, ट्रांसलेशन और बुक रीडिंग हम पहले ही कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड माइक सी व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट? जब माइक दरवाजे पर पहुंचा तो उसने क्या देखा? व्हेन माइक अराइव्ड एट द गेट, जब वो माइक दरवाजे पर पहुंचा, ही सॉ अ साइन दैट सेड, एक तख्ती देखी जिस पर लिखा था, बीवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से होशियार रहें। बिलो दैट साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड, इसी तख्ती के नीचे किसी ने बदखती में गंदी राइटिंग, गंदी लिखाई में लिखा था, दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, वो आपको नाश्ते के तौर पर खा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 रीजंस व्हाई माइक डिड नॉट क्लाइंब ओवर द गेट। दो वजूहात बताएं जिसकी वजह से माइक दरवाजे पर नहीं चढ़ सकता था। माइक डिड नॉट क्लाइंब ओवर द गेट, माइक दरवाजे पर नहीं चढ़ सकता था बिकॉज, क्योंकि ही न्यू दैट, वो जानता था कि देयर वर गार्ड डॉग्स इनसाइड, अंदर हफाजती कुत्ते हैं। आल्सो ही थॉट, वो ये भी सोचता था, ही वॉज टू ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है टू डू सच थिंग, इस तरह के काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हैड माइक बीन टू द हाउस बिफोर, क्या माइक इस घर में पहले आया था? हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं? यस, जी हाँ, माइक हैड बीन टू द हाउस बिफोर, वो इस घर में पहले आया था। वी नो हम जानते हैं बिकॉज, क्योंकि इट सेज दैट ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेशंस, वो इन तमाम मौके के बारे में सोच रहा था। ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, वो इस घर में जब आया, एंड बिकॉज, और क्योंकि ही रिमेम्बर्ड, उसे याद था नबील्स डॉग एज पपीज, नबील के कुत्ते छोटे बिल्ले के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग इन, किस किस्म का कमरा था जिसमें नबील बैठा था? नबील वाज सिटिंग इन अ लार्ज डार्क लिविंग रूम, नबील एक तारीक कमरे में बैठा था, बड़े तारीक कमरे में बैठा था। हाउ डिड मामा ड्यूक रिएक्ट टू माइक, मामा ड्यूक ने किस तरह का इजहार किया माइक से? मामा ड्यूक रिएक्टेड एंगरली, मामा ड्यूक ने गुस्से का इजहार किया टू माइक, माइक की तरफ, एज सोन एज ही स्मेल्ट हिम, जब उसने इसे सूंघा। हाउ डिड माइक लीव द प्रॉपर्टी, माइक ने जगह कैसे छोड़ी? माइक लेफ्ट द प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट, माइक ने दौड़ते हुए जगह छोड़ी, एंड लीपिंग ओवर द गेट, और दरवाजे को लांघते हुए जगह छोड़ी। शुक्रिया।